नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण गोयल सरस्वती क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम रीट 2012 का पेपर पूरा सॉल्व आउट करेंगे, देखेंगे कि रीट 2012 में किस तरह के प्रश्न आए पूछे गए थे। तो आगे की रीट की तैयारी आप जैसे कर रहे हैं तो उसमें आपको काफ़ी बेनिफिट होता है कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या किस तरह के या किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, या आपने अपनी तैयारी की हुई है तो आपको पता लगेगा कि आज की क्वेश्चन हमारी तैयारी कैसी है, उन क्वेश्चन को करके देखिएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं रीट 2012 का प्रीवियस ईयर का पेपर। तो इसका मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, ये जो क्वेश्चन है ये जियोमेट्री से आया हुआ है, जियोमेट्री टॉपिक से आया हुआ है, यानी कि ज्यामिति। तो क्वेश्चन है, यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, कहने का मतलब दो समांतर रेखाएं, ये एक रेखा है ये उसकी दूसरी समांतर रेखा, यानी कि ये L है और ये M है, ठीक है। दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, एक ये तिर्यक रेखा है, ये N मान लीजिए इसे, तो दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनसे बनने वाले कोणों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। हमसे पूछा गया ये चार में कथन दिए गए हैं, इन चारों में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये हमसे पूछा गया है। तो इन क्वेश्चनों के लिए कुछ प्रॉपर्टीज होती है, ये प्रॉपर्टीज दी हुई है हमें, तो देखना है कौन सी प्रॉपर्टी सही है और कौन सी प्रॉपर्टी सही नहीं है। तो इनकी प्रॉपर्टीज की नॉलेज हमको होनी चाहिए। तो पहली इसमें लिखा हुआ पहली जो कथन है पहला वो देखते हैं, तिर्यक रेखा की एक तरफ बनने वाले अंतःकोण बराबर होते हैं, जो तिर्यक रेखा है उसके एक तरफ बनने वाले अंतःकोण बराबर होते हैं। तो तिर्यक रेखा जो एक तरफ अंतःकोण बनते हैं ना वो बराबर नहीं होते, उनका जो योग है ना उन अंतःकोणों का योग वो 180 डिग्री होता है। तो ध्यान रखिएगा कि यदि तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोण जो होते हैं, जो अंतःकोण है वो उनका योग 180 डिग्री होता है, न कि वो बराबर होते हैं, इसलिए हमारे पहला जो कथन है वो गलत हो जाता है, ठीक है। और सेकंड जो कथन है, एकांतर कोण बराबर नहीं होते हैं, तो ये कथन भी गलत है। एकांतर कोण सदैव बराबर होते हैं, एकांतर कोण सदैव बराबर होते हैं, तो ये कथन भी गलत हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट है, संगत कोण बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं, तो ये कथन सही है। संगत कोण का मतलब है कि जैसे कि ये कोण इसका संगत कोण है, ये कोण इसका संगत कोण है, और जो ये कोण है वो इसका संगत कोण है, और जो ये कोण है वो इसका संगत कोण है, तो संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं। जैसे कि ये दोनों कोण है तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, जैसे कि कोण 1, 2, 3, 4 और 5, 6, 7 और 8, तो मैंने कोणों का नाम दे दिए कि कोण 1 है वो कोण 5 के संगत कोण है, कोण 2 कोण 6 के संगत कोण है, कोण 4 कोण 8 के संगत कोण है, और कोण 3 कोण 7 के संगत कोण है, तो संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट कथन दिया गया था हमें, तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले बाह्य कोण बराबर होते हैं, तो ये भी गलत है कि बाह्य कोण ये भी बराबर नहीं होते, इनका योग 180 डिग्री होता है, तो ये कथन भी गलत हो जाता है। थोड़ा सा मैं ये अगर क्वेश्चन आएगा तो इससे थोड़ा सा रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं कि कई टाइप से कोण होते हैं। सबसे पहले तो जैसे संगत कोण, जो भी मैंने आपको बताई दिया है संगत कोण, ये कोण जो भी कोण बता रहा हूँ संगत कोण वगैरह सब बराबर या योग 180 तभी होता है। ये कंडीशन है कि यदि दोनों रेखाएं समांतर हों और एक तिर्यक रेखा काटती हो, दोनों रेखाएं समांतर होना एक मस्ट कंडीशन है कि दोनों रेखाएं समांतर होंगी तभी ये सब जो बता रहे हैं आपको ये सब सत्य होगा। अदरवाइज यदि कोई दो रेखाएं हैं, सिंपली दो रेखाएं हैं, जैसे कि कोई ये दो रेखाएं हैं उनको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो इनमें से कोई भी प्रॉपर्टीज ये नहीं लगती है, सेटिस्फाई नहीं होती है। सिर्फ कंडीशन है कि दोनों रेखाएं समांतर होनी चाहिए और एक तिर्यक रेखा उसे काटनी चाहिए। तो इन पर जो कुछ कोण है वो थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। संगत कोण का मतलब है कि जैसे कि ये एक प्लस बन रहा है, ये एक प्लस बन रहा है, तो जो एक और पांच है ना ऊपर ऊपर वाले दोनों इस कोने और उस कॉर्नर में, तो ये दोनों संगत कोण हो गए, 2 और 6 दोनों संगत कोण हो गए, 3 और 7 दोनों संगत कोण हो गए, और 4 और 8 संगत कोण हो गए, तो ये सभी संगत कोण है। तो संगत कोण का तो ये हो गया। उसके बाद में कहता है शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, तो शीर्षाभिमुख कोण कौन से होते हैं, जैसे कि 1 और 3 है, दोनों शीर्ष आमने सामने हो रहे हैं ना, 1 और 3 शीर्षाभिमुख कोण है, 2 और 4 शीर्षाभिमुख कोण है, 5 और 7 शीर्षाभिमुख कोण है, और 6 और 8 शीर्षाभिमुख कोण है, तो इस प्रकार ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं।
उसके बाद में एकांतर कोण की बात करते हैं। एकांतर कोण कौन सा, जैसे कि एक जेड की शेप बन रही है, ये एक जेड की शेप बन रही है, ठीक है। ये जो जेड की शेप बन रही है, इसके अंदर जो ये अंदर वाला कोण और ये इधर अंदर वाला कोण, यानी तीन और पांच, कोण तीन बराबर कोण पांच, तो एकांतर कोण होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं, यानी कोण तीन और कोण पांच बराबर होंगे। लेकिन हमें एक ये कथन भी दिया गया था कि एकांतर कोण बराबर नहीं होते हैं, इसलिए हमने गलत कहा कि उन्होंने सत्य बताइए, तो ये तो बात गलत होगी ना कि एकांतर कोण बराबर नहीं होते। एकांतर कोण तो बराबर होते हैं, जैसे कि तीन बराबर पांच, कोण तीन और कोण पांच एकांतर कोण की वजह से बराबर होंगे। तो इस प्रकार ये कथन हमें समझ आया कि एकांतर कोण सदैव बराबर होते हैं, ये वाला कथन गलत लिखा हुआ है इसमें, और संगत कोण भी सदैव बराबर होते हैं। उसके बाद में अंतः कोण और बाह्य कोण को देख लेते हैं। अंतः कोण का मतलब है कि जैसे कि ये कोण दो और कोण पांच, ये अंतः कोण है, जैसे ये चीज बन रही है ना, जैसे कि ये चीज बन रही है, तो जो ये दोनों कोण है ना, ये दोनों अंतः कोण है, जैसे कि दो और पांच, इन दोनों का जो योग है ना वो 180 डिग्री होगा। लेकिन अपने क्वेश्चन में दिया था तिर्यक रेखा के जो एक तरफ बनने वाले अंतः कोण है, तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले अंतः कोण यानी कि दो और पांच कोण बराबर होते हैं, बराबर नहीं होते कभी भी, दो और पांच कोण बराबर नहीं हो सकते, इन दोनों का जो योग है ना वो 180 डिग्री होता है। यही मैंने यहां लिखा था कि इन दोनों का जो योग है वो 180 डिग्री होता है। तो अंतः कोण के अंदर जो ये कोण दो प्लस कोण पांच है ना, कोण दो प्लस कोण पांच ये 180 डिग्री होंगे, और कोण तीन और कोण आठ ये भी, तो इधर भी तो ये शेप बन रही है, जैसे कि इधर बन रही है तो ये भी अंतः कोण हो गया, दो और पांच और तीन और आठ भी अंतः कोण हो गया, तो कोण तीन प्लस कोण आठ ये भी इनका योग भी 180 डिग्री होगा। उसी तरह बाह्य कोण का में कौन कौन से आएंगे, जैसे कोण एक और कोण छह, बाह्य अपने पास ये कथन भी था, तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले बाह्य कोण बराबर होते हैं, जबकि ये कथन गलत है, इनका योग 180 डिग्री होता है। तो एक बात ये भी श्योर है कि तिर्यक रेखा के एक तरफ या तो एक और छह ले लीजिए या फिर चार और सात ले लीजिए, ऐसा नहीं है कि यहाँ चार ले लीजिए यहाँ छह, नहीं ऐसा नहीं, यहाँ पर एक और छह और यहाँ चार और सात, तो कोण एक प्लस कोण छह बराबर 180 डिग्री, ये भी बाह्य कोण, ये भी बाह्य कोण, और ये चार और सात, कोण चार प्लस कोण सात बराबर 180 डिग्री। तो यही था क्वेश्चन कि हमें इसके बारे में, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो मैंने कुछ लिखी है, कुछ कोण लिखे हैं वो आपको पता होने चाहिए कि दो समांतर रेखाएं हैं एल और एम और एक तिर्यक रेखा काट रही है उसे एन। क्वेश्चन में लिखा था यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो उनसे बनने वाले कोणों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो ये कुछ कोण थे, उनको मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि कौन कौन से कोण होते हैं। तो हमें कथन देखने हैं तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले कोण, ये तिर्यक रेखा है उसके एक तरफ देखने, ऐसा नहीं है कि एक कोण इधर देख लिया एक कोण उधर, ऐसा नहीं, तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले अंतः कोण बराबर होते हैं, जबकि कथन गलत है, इनका योग 180 डिग्री होता है, यानी कि 2 प्लस 5 180 डिग्री, 3 प्लस 8 180 डिग्री। नेक्स्ट है एकांतर कोण बराबर नहीं होते, जबकि एकांतर कोण तो बराबर होते हैं, जैसे कि ये जेड शेप बन रही है, लिख लीजिए यहां पर, जैसे एकांतर कोण है, एकांतर का कोण का मतलब जेड शेप बननी चाहिए ऐसे, तो जेड शेप बनती है, तो जो ये तीन और पांच है ये दोनों एकांतर कोण है, ये दोनों हमेशा बराबर होते हैं, एकांतर कोण में तीन और पांच बराबर होंगे। और उसके बाद में अंतः कोण का मतलब है कि तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले अंतः कोण बराबर होते हैं, गलत दिया हुआ है, 180 डिग्री होता है योग, जैसे कि हमने देखा कि 2 प्लस 5 180 डिग्री और 3 प्लस 8 180 डिग्री। और नेक्स्ट है बाह्य कोण कि तिर्यक रेखा के एक तरफ बनने वाले बाह्य कोण यानी कि 1 और 6 180 डिग्री और 4 और 7 180 डिग्री। तो इस प्रकार ये ज्योमेट्री के अंदर टॉपिक आती है, ज्योमेट्री के अंदर आते हैं ऐसे क्वेश्चन कि ज्यामिति, जब हम आगे नेक्स्ट क्लासेस में कभी ज्यामिति पढ़ेंगे तब इनको अच्छे से एक्सप्लेन और अच्छे से करेंगे। बाकी उम्मीद करता हूँ अभी भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि ये सारे कोण होते हैं और ये हमें चार कथन दिए गए थे और इनमें पहचानना था कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, और संगत कोण कौन से होते हैं, यानी कि ये इस तरफ जा रहे दोनों, एक और पाँच हो गया, दो और छः हो गया, तीन और सात हो गया और चार और आठ हो गया, तो ये संगत कोण होते हैं, संगत कोण हमेशा बराबर होते हैं, इसलिए हमारा ये आंसर बिल्कुल सही था। आप ये नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ज्यामिति के चतुर्भुज से आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो चतुर्भुज से है। क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज की रचना के लिए, कि हमें एक चतुर्भुज का निर्माण करना हो या रचना करनी हो, जैसे कि ये जिसके चार भुजाएं हो तो ये चतुर्भुज हो गया, ठीक है। एक चतुर्भुज की रचना के लिए उसके कम से कम कितने अवयव ज्ञात होने आवश्यक हैं, कि हमें कम से कम कितने अवयव ज्ञात हो कि हम एक चतुर्भुज का निर्माण कर लें। तो यहाँ पर अवयव का मतलब है कि जैसे कि ये मैंने ए बी सी डी एक चतुर्भुज बनाया है, ए बी सी डी, तो इसमें क्या चतुर्भुज में अवयव का मतलब है कि इसमें चार तो भुजाएं हैं, जैसे कि ए बी बी सी सी डी और ए डी, चार तो भुजाएं होगी, चार भुजाएं, ठीक है, ये अवयव है चार भुजाएं। बाकी चार कोण हो गए, जैसे कि कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, तो चार कोण हो गए। और दो विकर्ण हो गए, विकर्ण मतलब डायगोनल, दो डायगोनल्स हो गए कि ए सी और बी डी, ये दो डायगोनल्स हो गए, दो विकर्ण हो गए। तो यानी कि चतुर्भुज में हमें वैसे कुल कितने अवयव होते हैं, वैसे कुल देखें तो चार और चार आठ, दस अवयव होते हैं कुल। तो ये तो नॉर्मल सभी को पता होता है कि दस अवयव होते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट था। इस क्वेश्चन में ये पूछ लिया गया कि इनमें से कम कितने अवयव, दस में से कुल कम से कम कितने अवयव ज्ञात कर हों, कि हमें यह दिए गए हों कि हम एक पूरे चतुर्भुज का निर्माण कर लें। तो इसका आंसर आता है पांच, कि हमें कम से कम पांच अवयव भी हमें ज्ञात है ना, तो भी हम एक चतुर्भुज का निर्माण कर सकते हैं या चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। कि कुल अवयव पूछ लिए जाए तो 10 होंगे, यदि पूछ लिया जाए कि कम से कम कितने अवयव आवश्यक होने ज्ञात होने आवश्यक हैं, तो आंसर आ जाएगा 5। ये क्वेश्चन 2012 के अंदर रीट के पेपर में पूछा गया था कि चतुर्भुज की रचना के लिए उसके कम से कम कितने अवयव ज्ञात होने आवश्यक हैं, तो आंसर होगा 5, ठीक है, नोट कर लीजिए आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चतुर्भुज से है, और इस क्वेश्चन में हमें चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र पूछा गया है, सिर्फ कि हमें पता होना चाहिए कि समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, कि हम चतुर्भुज का अपने समलंब चतुर्भुज का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो किस फॉर्मूला की सहायता से ज्ञात किया जाता है। तो ये तो क्वेश्चन बस देखते ही टिक करने वाला है कि कौन सा आंसर होगा, कि जैसे कि ये एक बटा दो गुणा धार गुणा ऊंचाई है, ये तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं है। और वैसे पता होता है कि समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल क्या होता है, कि एक बटा दो गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई, यही हमारा आंसर होता है इसके अंदर, एक बटा दो गुणा समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। जैसे कि हमने पिछली क्लास में रीट 2017 का पेपर डिस्कस किया था, तो उसमें भी समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल से एक क्वेश्चन आया हुआ था, ये तो सिर्फ फॉर्मूला पूछा गया है, तो उस समय क्वेश्चन आया हुआ था कि समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल हमें गिवन था और समांतर भुजाओं का समांतर भुजाएं भी दी हुई थी और ऊंचाई ज्ञात करनी थी, तो उस क्वेश्चन में हमने समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल यह सूत्र लगाकर ही उसको सॉल्व आउट किया था। तो चतुर्भुज की बात ही आ गई, तो चतुर्भुज के बारे में थोड़ी नॉलेज ले लेते हैं, देख लेते हैं क्या कुछ चतुर्भुज के, जो चतुर्भुज के प्रकार हैं वो देखते हैं। जैसे कि ये जो है इसमें ये समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है, इसमें ये खासियत है कि जो आमने सामने भुजाएं हैं ना, ये तो समान है, कि जो आमने सामने भुजाएं हैं ना, चारों भुजाएं समान नहीं है, सिर्फ आमने सामने की भुजाएं, ये दोनों भुजाएं समान है और ये दोनों भुजाएं समान है, लेकिन इनके जो विकर्ण है वो 90 डिग्री नहीं है, जो इनका कोण होता है, जो यहाँ पर ए बी सी डी जो कोण है, ये 90 डिग्री नहीं है, ये इसकी खासियत है समांतर चतुर्भुज की, ठीक है। उसके बाद में जस्ट इससे मिलता जुलता, जैसे कि ये तिरछा है ना, इसको बिल्कुल सीधा कर दिया जाए बस, सिर्फ जैसे कि ऐसे सीधा कर दिया जाए इसे, तो ए बी सी डी, तो ये आमने सामने भुजाएं इसकी भी समान ही होंगी, तो यदि आमने सामने भुजाएं समान होती है और इसके विकर्ण सभी 90 डिग्री हैं, विकर्ण कितने हैं 90 डिग्री हैं, तो इसे आयत कहा जाता है, ये क्या है, आयत है, ठीक है। और इसके बाद में ये तो दो टाइप्स हो गए चतुर्भुज के, ये दो टाइप्स मिलते जुलते, इसलिए थोड़ा पहले लिखते हैं इनको, कि आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, आमने सामने भुजाएं इसमें समान होती है, बस फर्क इतना है इसमें जो कोण है वो 90 डिग्री होता है और इसमें जो एंगल है वो 90 डिग्री का नहीं होता है। थर्ड टाइप देखते हैं,
इसमें जैसे कि ये दिया गया, तो इसमें क्या है कि चारों भुजाएं बराबर होती हैं, इसमें चारों भुजाएं बराबर होती है, इसलिए इसे कहा जाता है समचतुर्भुज, 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 क्योंकि इसकी चारों भुजाएं समान है, लेकिन इसके जो विकर्ण है वो 90 डिग्री, सॉरी जो एंगल है जो वो 90 डिग्री नहीं होते हैं। और इस चीज से मिलता जुलता फोर्थ जो प्रकार है इसका, जैसे इससे ये मिलता जुलता था, इसको ये टेढ़ा था, इसको सीधा कर दिया था तो ये बना था, उसी प्रकार ये है समचतुर्भुज को सीधा करने पर हमें वर्ग की प्राप्ति होती है, स्क्वायर की प्राप्ति होती है, वर्ग। इसमें भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं और इनके जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, चारों कोण, इसके चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो बस ये चार प्रकार थे चतुर्भुज के। और एक और प्रकार है जो अपने भी इसका सूत्र देखा है, पांचवा प्रकार है, वो कौन सा है, समलंब चतुर्भुज। तो इसमें क्या होता है, जो आमने एक आमने सामने भुजाएं समांतर होती है, एक आमने सामने एक एक भुजा जो आमने सामने की है वो समांतर होती है, बराबर नहीं होती है, सिर्फ समांतर होती है, ठीक है। तो एक भुजाएं समांतर होती हैं, तो ये हमें क्वेश्चन में सूत्र पूछा जाएगा, इसका सूत्र क्या है, एक बटा दो गुना समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं हमें दी गई हैं 10 और 15 जैसे, तो इन समांतर भुजाओं का योग और गुणा ऊंचाई, ये इसकी हाइट होगी, गुणा ऊंचाई होगी। तो समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए ये सूत्र होता है, एक बटा दो गुना समांतर भुजाओं का योग गुणा ऊंचाई। तो समांतर भुजाएं यदि हमें दी गई हैं तो उनका योग और गुणा में यहाँ ये हाइट दी होती है। तो इस प्रकार हम समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं, नोट कर लीजिए। तो हम रीट 2012 का पेपर कर रहे थे, तो इससे पहले हमने एक क्लास के अंदर रीट 2017 का पेपर भी किया था, जो लास्ट ईयर जो पेपर हुआ है, रीट 2017 की वैकेंसी थी और 18 में पेपर हुआ था वो, तो वो पेपर भी हमने पूरा सोल्व आउट करके एक्सप्लेन करके वीडियो अपलोड की हुई है, उसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन मेंसुरेशन से आया हुआ था, मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति से ये क्वेश्चन पुटअप किया गया था, और इस क्वेश्चन में सिर्फ सूत्र ही पूछा गया था, कि हमने एक पहले भी क्वेश्चन देखा समलंब चतुर्भुज का, उसमें भी क्षेत्रफल सूत्र ही पूछा हुआ था, इसमें भी सूत्र ही पूछा गया है, कि हमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, बताना है निम्न में से कौन सा सूत्र है, आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई के बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन क्रमशः है, ये क्रमशः वर्ड है, तो इस बात का थोड़ा ध्यान देना है कि पहले क्षेत्रफल लिखा होगा उसके बाद में आयतन लिखा होगा। तो सबसे पहले बेलन है, बेलन की जो स्ट्रक्चर होती है वो देख लेते हैं, सिलेंडर, जैसे कि हमारा जो गैस सिलेंडर होता है या कोई पाइप ले लीजिए, तो वो बेलन की स्ट्रक्चर होती है, और आर त्रिज्या इसकी, इसकी त्रिज्या क्या है, आर, इसकी त्रिज्या देखिए हमें आर, ठीक है, आर त्रिज्या है, और एच ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी है, एच ऊंचाई है इसकी, ठीक है, एच ऊंचाई के बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा आयतन बताइए। तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल और आयतन, तो इनमें थोड़ा सा देखते हैं कि क्षेत्रफल होता है जो, इसमें जो विमा आती है इसकी वो स्क्वायर में आती है, कि जैसे कि कोई क्षेत्रफल हमें मीटर में दिया, कोई चौड़ाई ऊंचाई मीटर में दी हुई है तो मीटर स्क्वायर आ जाएगा, यदि सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, यानी हमेशा क्षेत्रफल क्या होता है, स्क्वायर में ही आता है, कहने मतलब कुछ दो चीजों का गुणा दिया होता है, कोई दो, जैसे कि आर गुना आर होगा या आर गुना एच होगा, यानी कुछ भी दो चीजें होंगी जिससे ये स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन जो आयतन है इसमें तीन चीजों गुणा होकर ये क्यूब बनती है हमेशा। तो सबसे पहले तो वैसे देख लेते हैं कि पाई है, ये तो चलो कॉन्स्टेंट है, ये तो इसका मान फिक्स है 22/7 या 3.14, तो ये आर स्क्वायर और एच, यानी कि आर स्क्वायर दो तो ये होगा, एक मल्टीप्लाई एच से करेंगे तो 3 मीटर हो गए, कहने मतलब ये तो 3 मीटर हमेशा आयतन में होते हैं, लेकिन सबसे पहला सूत्र क्या है, क्षेत्रफल का है, तो ये तो आयतन का सूत्र है और ये क्षेत्रफल का है, देख लीजिए योग करने पर ये दोनों मीटर रहेंगे, जैसे 2 मीटर + 4 मीटर 6 मीटर हो जाएंगे, तो मीटर का मल्टीप्लाई अगर मीटर से करेंगे तो ये स्क्वायर ही आएगी ओनली, तो ये क्षेत्रफल आ जाएगा, जबकि बाद में हमें आयतन दिया होगा, तो इसलिए ये ऑप्शन तो गलत है। और वैसे नॉर्मली हमें पता भी होना चाहिए कि बेलन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होता है 2πr × r + h, और बेलन का जो आयतन होता है वो होता है πr²h, तो इसलिए ये ऑप्शन तो गलत है। सेकंड ऑप्शन देखते हैं,
कि पाई टू पाई आर इंटू आर प्लस एच, और ये तो हो गया बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, टू पाई आर इंटू आर प्लस एच और पाई आर स्क्वायर एच, ये हो गया बेलन का आयतन हो गया। तो इसमें बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। तो ये सूत्र ही पूछा गया था प्रीवियस ईयर जो 2012 में क्वेश्चन आया था, तो हमें सूत्र याद होना चाहिए कि बेलन के पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन का सूत्र क्या होता है, और क्रमशः बताना था, क्योंकि पहला ऑप्शन ये दे रखा था, हम बाई चांस इस पर टिक कर दें, गौर नहीं करें, तो क्रमशः वर्ड को अपना ध्यान में रखना है कि पहले क्षेत्रफल होगा फिर आयतन होगा। तो है तो ये दोनों सेम ही, लेकिन क्रमशः के कारण पहले क्षेत्रफल पूछा गया हमसे, पहले क्षेत्रफल पूछा गया तो इसलिए पहले क्षेत्रफल और फिर आयतन आएगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो त्रिभुज से है, यानी कि ज्यामिति के अंदर त्रिभुज से है, और त्रिभुजों के अंदर त्रिभुजों की सर्वांग समता से है। सर्वांग समता यानी कि सर्व अंग समान, इसको अगर संधि विच्छेद करते हैं तो सर्व अंग समान की मतलब सब कुछ सेम होना चाहिए, कि कोण भी सेम हो, भुजाएं भी समान हो, तो ही दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो इस एक क्वेश्चन से त्रिभुजों की सर्वांग समता को पूरा समझा जा सकता है, इस एक क्वेश्चन से ही। तो देखते हैं कि त्रिभुजों की सर्वांगता, एक तरह से छोटा टॉपिक हो जाएगा इस क्वेश्चन के साथ साथ। तो दो त्रिभुजों की सर्वांग समता, तो कहने मतलब कि दो त्रिभुज होते हैं कोई, और वो दो त्रिभुज सर्वांग सम कब होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज देखनी हमें। दो त्रिभुज है कोई, जैसे कि ए बी और सी और पी क्यू और आर, कि ये जो दो त्रिभुज दिए हुए हैं वो सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इनमें से कंडीशन हमें कथन दिए गए हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी कंडीशन है जो पर्याप्त नहीं है, कि तीन कोई सही होंगी एक होंगी वो कोई गलत होगी। तो हम देखते हैं, पहली जो पहला कथन है जो वो दिया हुआ है, दोनों त्रिभुजों की, जैसे कि ए बी सी और पी क्यू आर, दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं आपस में समान हो। यदि ये भुजा भी दो हो, ये भुजा दो हो तो ये भी भुजा दो ही हो, ये तीन हो तो ये भी तीन ही हो, और ये पांच हो तो ये भी पांच ही हो। कहने का मतलब दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं आपस में समान हो। जैसे कि एक त्रिभुज है, इसमें छह अवयव होते हैं, इसके तीन तो भुजाएं होती हैं, जैसे कि ए बी बी सी और ए सी, तीन भुजाएं होगी और तीन ही कोण होते हैं, कोण ए कोण बी और कोण सी, तो छह अवयव होते हैं एक त्रिभुज के अंदर। तो कोई भी दो त्रिभुज होते हैं वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम कब होते हैं, उनकी कंडीशन दी गई है हमें कि निम्न में से कौन सी कंडीशन पर्याप्त नहीं है। तो दोनों त्रिभुज हमेशा दो त्रिभुज ही दिए होंगे, क्योंकि सर्वांग सम तो दो त्रिभुजों की ही देखी जाती है कि एक है वो दूसरे के सर्वांग सम है या नहीं है। तो दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं, दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं, ऐसा नहीं कि दो भुजाएं, तीनों भुजाएं, तीनों भुजाएं आपस में समान हो, यानी कि ए बी बराबर हो पी क्यू के, बी सी बराबर हो क्यू आर के, और ए सी बराबर हो पी आर के। तो त्रिभुज जो है ए बी सी है ना, ये सर्वांग सम का चिन्ह होता है, ये सर्वांग सम का चिन्ह होता है। त्रिभुज जो ए बी सी है ना, वो त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांग सम है, वो त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांग सम है। तो पहली कंडीशन तो सही है, वो पूछा पर्याप्त कौन सी कंडीशन नहीं है, तो ये तो पर्याप्त है कि दोनों त्रिभुजों की यदि तीनों भुजाएं आपस में समान हो तो वह दोनों त्रिभुज आप सर्वांग सम होते हैं, कि यदि ये तीनों भुजाएं एक दूसरे से समान है तो वो दोनों एक दूसरे से सर्वांग सम होंगे। और इसे, क्योंकि तीनों भुजाएं दी गई है ना, तो इसे एक नाम देते हैं साइड 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 लॉ, कि भुजा 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 नियम, कि एक इससे टॉपिक ही पूरा क्लियर हो जाए त्रिभुजों की सर्वांग समता का। तो ये पहली जो है यह साइड 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 लॉ, यानी कि भुजा 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 नियम, तो इसे कहते हैं त्रिभुजों की सर्वांग समता पहला नियम, की भुजा 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 नियम। यदि दो त्रिभुजों की तीनों भुजाएं समान हो तो वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं। तो ये तो थी पहली कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं, दो भुजाएं और उनके बीच का कोण। नेक्स्ट है दो भुजाएं, नेक्स्ट हमें लाइन दे रखी है कि दो भुजाएं और उनके बीच का कोण। दो भुजाएं, कोई भी दो भुजाएं दी गई हो, जैसे कि मैं कहता हूं यदि ये और ये दी गई है, दो भुजाएं और उनके बीच का ही कोण होना चाहिए। ये दो भुजाएं ना, तो इसके बीच का ही कोण हो, ये दो भुजाएं तो इसके बीच का कोण हो, यदि ये दो भुजाएं होती तो इसके बीच का कोण होता। तो ये जो कोण है ना, कोण बी है ना, जो कोण बी कोण क्यू के बराबर होगा, और ए बी बराबर होगा पी क्यू के, और बी सी बराबर होगा क्यू आर के। यदि दो भुजाएं और उनके बीच का कोण, ये बात ध्यान रखनी है
उनके बीच का कोण या कह दें अपने अंतरित कोण, डेफिनेशन देखते हैं तो यही दिया होता है कि किन्हीं दो त्रिभुजों की दो भुजाएं और उनके बीच उनके अंतरित कोण बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि कोई भी दो भुजाएं दे रखी हो और उन दोनों भुजाओं के मध्य का कोण हो, अंतरित कोण हो या बीच का कोण हो, मतलब ये दो भुजाएं दे रखी तो इसके बीच का कोण हो, ये दो भुजाएं दे रखी तो इसके बीच का कोण हो, यदि ऐसा हो तो ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। वही लिख सकते हैं सेम कि त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम त्रिभुज पीक्यूआर। तो इस तरह से ये सेकंड भी सही है और इसे कहते हैं दो भुजाएं और उनके बीच का कोण है, जैसे कि साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड लो, इसे कहते हैं साइड एंगल साइड लो, यानी भुजा कोण भुजा नियम। ठीक है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए, इनका जो सीक्वेंस है इसका बहुत बड़ा मतलब है। ये सीक्वेंस ऐसा नहीं है कि कुछ मर्जी लिख दीजिए, ऐसा नहीं है, पहले साइड फिर बीच में एंगल है, तो कहने मतलब बीच में एंगल यहाँ आया, देखो एंगल साइड, सॉरी साइड एंगल और साइड, साइड एंगल और साइड, तो एंगल विशेष में बीच में आएगा इस कंडीशन में, यदि दो भुजाएं और उनके बीच का कोण है तो इसे कहेंगे एस ए एस लो, यानी कि साइड एंगल साइड लो। थर्ड देखते हैं, थर्ड दिया गया है दो कोण और उनके बीच की भुजा बराबर हो, यदि दो कोण कोई भी दो कोण हो, जैसे कि ये तो दो कोण है, दो कोण और उनके बीच की भुजा है, जैसे कि ये तीन तीन दी गई है, तो यदि दो कोण और उनके बीच की भुजा, ये भी ध्यान रखिएगा ये भी अंतरित भुजा ही है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, यदि ये दो कोण दिए हो ए और बी तो इनके बीच की मतलब ए बी ज्ञात होनी चाहिए हमें, और यहाँ पी और क्यू कोण दिए और पी क्यू ज्ञात होना चाहिए, तो ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, मतलब समान भी होने चाहिए, जैसे कि ये तीन है तो ये भी तीन है, और ये यदि 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होना चाहिए, ये यदि 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होना चाहिए। कहने का मतलब है कि कोण बी बराबर कोण क्यू कोमा कोण सी बराबर कोण आर एंड बी सी बराबर क्यू आर, तो ये दोनों त्रिभुज जो हैं ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। तो ये एक और नियम है, इसे किस तरह लिखा जाता है कि जो कोण उनके बीच का बीच की भुजा है तो एंगल साइड एंगल लो, इसे कहते हैं कोण भुजा कोण नियम, कि कोण भुजा कोण नियम। ठीक है, तो इस तरह ये त्रिभुज की तीन सर्वांग समताएं देखी हमने। नेक्स्ट देखते हैं कि तीनों कोण बराबर हो, नेक्स्ट दिया है हमें कि तीनों कोण बराबर हो, अब नेक्स्ट हमें दिया गया है कि तीनों कोण बराबर हो, तीनों कोण बराबर का मतलब है कि अब हमें पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग है ना वो 180 डिग्री होता है, कि यानी ए बी और सी तीनों कोणों को यदि मिलाया जाए तो 180 डिग्री होता है, और ये कह रहे हैं कि तीनों कोण यदि बराबर हो, तीनों कोण यदि बराबर हो, तो तीनों कोण बराबर का मतलब यदि ये भी 60 हो और ये भी 60 हो और ये भी 60 हो, इसमें भी सेम यही हो, ये भी 60 हो, ये भी 60 हो और ये भी 60 हो। ठीक है, तो देखिए कोण तो तीनों बराबर हैं, लेकिन आवश्यक नहीं होता कि भुजाएं भी बराबर हो, जब हम त्रिभुजों की रचना करते हैं ना तब ये बात हमें क्लियर होती है। अब तो बात आपको ठीक है समझनी पड़ेगी, थोड़ा याद रखनी पड़ेगी कि यदि तीनों कोण बराबर है तो जरूरी नहीं है कि दोनों त्रिभुज समान हो, इनकी भुजाएं अलग अलग हो सकती है, जैसे कि ये दो तीन, दो दो और दो है ना, ये पांच पांच पांच, कुछ भी मतलब हो सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि सेम हो, ये छह 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 भी हो सकती है, सात 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 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। तो कहने का मतलब है कि यदि एंगल सेम है तीनों, फिर भी आवश्यक नहीं है कि तीनों भुजाएं समान हो, इसलिए जो ये जो हमें प्रतिबंध दे रखा है या जो ये हमें कंडीशन दे रखी है, ये त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए पर्याप्त तो नहीं है। तो यही हमारा आंसर है इसका, जो हमने ये पूछा गया था कि कौन से पर्याप्त तो नहीं है, तो यही है कि यदि तीनों कोण बराबर हो ना, यदि तीनों कोण बराबर हो तो ये जरूरी नहीं है कि वो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे, उनकी भुजाएं तीनों अलग अलग हो सकती है, कोण भले समान है, यदि हम त्रिभुज की रचना करते हैं तब हमें पता लगता है इस बात का कि जरूरी नहीं कि ये तीनों कोण जो बराबर हैं तो तीनों भुजाएं भी बराबर हो, यदि तीनों कोण बराबर हैं तो अलग अलग भुजाओं के कितने भी त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, अनंत त्रिभुज बना सकते हैं। और लेकिन त्रिभुज सर्वांग समता मतलब यही है कि यदि जैसे कि
ये दो त्रिभुज दे रखे हैं अभी कोई भी, यदि ये दोनों सर्वांग समय ना ए बी सी त्रिभुज और पी क्यू आर, तो यदि इस त्रिभुज को उठाकर इस त्रिभुज को ऊपर रखा जाए तो ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर लें, अतिव्यापित कर लें, इसके पीछे या बाद में कुछ ना दिखाई दे, पूरा पूरा हो, बस इसको ऊपर इसको रखें तो हमें पूरा ये छुप जाए, पूरा ये कवर कर ले एरिया, कुछ भी एक्स्ट्रा ना रहे। लेकिन देखिए कि ये यदि कोण तो चलो बराबर है, ठीक है, ये दो दो मीटर की भुजाएं हैं यदि, और ये पांच पांच मीटर भुजाएं हैं, तो यदि इसको इसको ऊपर रखते हैं ये तो सिर्फ इतना सा ही बनेगा, फिर ये बाकी एक्स्ट्रा रहेगा। इसलिए ये बात होती है कि तीनों जो कोण बराबर हों, लेकिन यदि तीनों भुजाएं बराबर नहीं है तो ये दोनों सर्वांग सम नहीं है। सर्वांग सम क्यों नहीं है? क्योंकि इसको अतिव्यापित ओवरलैप नहीं कर सकता। तो बस यही है। इसी के साथ एक त्रिभुज की सर्वांग समता का हमारा ये चैप्टर भी होगा छोटा सा, कि त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या होती है। तो यही होते हैं कि साइड 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 लो, साइड एंगल साइड लो, एंगल साइड एंगल लो। तो इनका जो सीक्वेंस है इनका बहुत अहम रोल है इनका, कि ऐसा ही नहीं कि एस ए एस और ए एस ए, तो इनका रोल है कि अंतरित कोण और अंतरित भुजा, कि दो भुजाओं के बीच के अंतरित भुजा, तीनों अगर दोनों त्रिभुज समान है तो दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। और इसमें कि दोनों भुजा दोनों त्रिभुजों के दो कोण और बीच के अंतरित भुजा समान है तो वो सर्वांग सम होते हैं, और तीनों कोण यदि बराबर हों तो वो सर्वांग सम हो या आवश्यक नहीं है। तो नोट कर लीजिए आप इसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि आपको हमारे वीडियोस बेनिफिशियल लगते हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ताकि इन वीडियोस का जो बेनिफिट है वो सब स्टूडेंट्स उठा सकें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है कि a प्लस बी की होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी के बारे में निम्न में से क्या सत्य है। जो हमें चार ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा सत्य है? तो पहला ऑप्शन है यह एक सर्वसमिका है, सेकंड ऑप्शन है यह एक समीकरण है, थर्ड ऑप्शन है ए तथा बी दोनों सत्य हैं, यानी एक सर्वसमिका भी है और समीकरण भी है, और डी ऑप्शन है ए तथा बी दोनों असत्य हैं, ना ही तो ये सर्वसमिका है और ना ही समीकरण है। तो कई बार हमें कन्फ्यूजन हो जाती है, इक्वल दिया हुआ है तो हो सकता है कि समीकरण भी हो, और वैसे हम देखते हैं कि भाई ये सर्वसमिका भी होती है तो हो सकता है कि ये दोनों हो सकता है कोई एक हो, तो कन्फ्यूजन हो जाती है। तो उसको समझते हैं, आज क्लियर कर लेते हैं कि सर्वसमिका और समीकरण में डिफरेंस क्या होता है। सर्वसमिका और समीकरण में डिफरेंस क्या होता है? तो डिफरेंस यही होता है कि जो सर्वसमिका है ना वो प्रत्येक मान पर सत्य होती है। जो सर्वसमिका है यह प्रत्येक मान पर सत्य होती है, यह प्रत्येक मान पर सत्य होती है, लेकिन जो समीकरण है ना वो प्रत्येक मान पर सत्य नहीं होती। कि यदि x की घात एक दी गई है, यदि कोई रैखिक समीकरण है तो सिर्फ वो एक मान के ऊपर ही संतुष्ट होगी, यदि कोई द्विघात समीकरण है तो सिर्फ वो दो मानों पर ही सत्य होगी या सेटिस्फाई होगी, वो संतुष्ट करेगी, यदि कोई त्रिघात समीकरण है तो सिर्फ वो तीन वैल्यूज को ही, मतलब कि तीन वैल्यूज से ही वो सेटिस्फाई होगी या तीन वैल्यू को ही संतुष्ट करेंगे। तो यही डिफरेंस होता है कि सर्वसमिका यह प्रत्येक मान पर सत्य होती है, और जो समीकरण है ना वो यदि रैखिक समीकरण है तो सिर्फ एक मान पर सत्य होती है, और यदि द्विघात समीकरण है तो दो मानों सत्य हो जाती है, और त्रिघात समीकरण है तो तीन मानों सत्य हो जाती है। अब ये देखिए a प्लस बी की होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो सोल्व करते हैं इसे, a प्लस बी की होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं a इज इक्वल टू वन एंड b इज इक्वल टू टू ले रहा हूँ, ठीक है। तो इसको इसमें पुट करते हैं, तो लेफ्ट साइड देखते हैं, यदि a की जगह एक रखूँ मैं और b की जगह दो रखूँ, एक प्लस दो, तो इसके ऊपर स्क्वायर दी हुई है, तो एक प्लस दो तीन, और तीन की स्क्वायर यानी तीन की है नौ। और इस तरफ देखते हैं एक, a का मान एक है और b का मान दो है, a का मान यदि मैं एक रखूँ तो एक की स्क्वायर प्लस दो की स्क्वायर प्लस टू इंटू वन इंटू टू, ए की वैल्यू वन और b की वैल्यू टू। तो सॉल्व करते हैं इसे, एक का स्क्वायर एक ही, एक का दो बार गुना, तो एक एकम एक, दो का दो बार गुना दो दुनी चार, प्लस दो एकम दो और दो दुनी चार, तो चार सौ आठ और एक नौ। तो ये देखिए ये मान संतुष्ट हो रहे हैं। अब यदि मैं a की वैल्यू दो और b की वैल्यू एक ले लूँ या कुछ भी ले लूँ, x y z कुछ भी ले लूँगा, तो ये प्रत्येक मान पर सत्य हो जाएगी।
जैसे कि एक और दिखाया बताया तुम्हें, 2+3 ऐसे, 2+3 यानी 5 की स्क्वायर यानी 25 हो जाएगा, और बराबर में देखते हैं यदि 2 की स्क्वायर 4 प्लस 5 की स्क्वायर 25, 2 की स्क्वायर सॉरी 3 की स्क्वायर 2 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर 3 की स्क्वायर 9 हो जाएगी, और 2 मल्टीप्लाई 3 मतलब ए का 2 × a का मान 2 लिया मैंने और b का मान 3 लिए, तो सोल्व करते हैं इसे, 3 × 6 = 12 तो 9 × 4 = 13 और ये 3 × 6 = 12 12 × 13 = 25। तो ये देखिए कहने का मतलब कि ये जो हमें दी गई है, जो कुछ भी दिया अपने पता नहीं भी क्या दी हुई है, ये जो है ये प्रत्येक मान पर सत्य है, कुछ भी रख लीजिए और बी की वैल्यू तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड ही मिलेगी। तो यही मैंने आपको डेफिनेशन कहा है, सर्व समीकरण डेफिनेशन होती है कि यह प्रत्येक मान पर सत्य होती है, तो अब ये प्रत्येक मान पर सत्य हो रही है तो कहने का मतलब हमारा यही आंसर बिल्कुल सही है, यह एक सर्व समीकरण। यदि जैसे कोई हमें दी गई है कि 3x + 2 = 5, तो देखिए सोल्व करते हैं इसे, तो यदि यहां पर आप x की वैल्यू 1 रखते हैं ना तो ये संतुष्ट हो जाती है, और इसके अलावा आप यहां पर कोई भी वैल्यू रख के देख लीजिए ये कभी भी संतुष्ट नहीं होगी, क्यों, एक रैखिक समीकरण है और ये एक मान के लिए मतलब एक कोई भी एक मान होगा, ये बाय चांस एक आ रहा है, कोई भी एक मान होगा यहां पर जो यहां पर रखने संतुष्ट होते हैं, यहां पर एक रख के देख रहा हूं मैं, तो 3 × 3 और प्लस 2 यानी कि 5 और बराबर में क्या है 5, तो सिर्फ ये एक के एक मान के लिए यानी वो एक मान इसका एक है, तो सिर्फ एक मान के लिए ही ये सत्य है या संतुष्ट होती है, सेटिस्फाई होती है, तो इसलिए ये एक समीकरण है, ठीक है। यहाँ पर यदि आप दो रखते हो तो ये सेटिस्फाई नहीं होगी। तो बस यही था कि सर्व समीकरण जो प्रत्येक मान पर सत्य होती है, लेकिन जो समीकरण है वो सिर्फ रैखिक समीकरण तो एक मान पर, और यदि द्विघात समीकरण है तो 2 मानों पर, यदि त्रिघात समीकरण है तो 3 मानों पर सत्य होती है। तो ये हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही था, यह एक सर्व समीकरण है, नोट कर लीजिए। तो चलिए ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, तो बाकी जो क्वेश्चन है वो हमारी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।